अक्सर कर मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स डबल समेशन खासकर बाइनोमियल में घबराते हैं। डबल समेशन में एक शॉर्टकट मेथड है और वो है मैट्रिक्स मेथड या टेबल मेथड, जिससे आप आसानी से डबल समेशन के क्वेश्चंस को इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो सपोज अपने पास दो वेरिएबल्स हैं आई और जे, सपोज इसके अलोंग आई है और कॉलम के अलोंग जे है, तो यहां पे आई में आता है अपने पास एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू और ये एन सी एन तक, और यहां पे आता है अपना एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू और एन सी एन तक। अब इनके जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं वो हमने ये एन प्लस वन क्रॉस एन प्लस वन मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिए। अब अगर ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को देखें तो अगर इसका आपने डायगोनल देखेंगे तो इसके डायगोनल में क्या है, सी जीरो स्क्वायर, सी वन स्क्वायर, सी टू स्क्वायर, सी थ्री स्क्वायर और सी एन स्क्वायर, यानी कि यहां पे वो सारे एलिमेंट्स हैं जहां पे आपका आई और जे बराबर है। अगर यहां पे अपने बात करेंगे तो ये डायगोनल के नीचे अपने पास वो एलिमेंट्स हैं जहां पे आई जो है वो जे से बड़ा है और डायगोनल से ऊपर वो सारे एलिमेंट्स हैं जहां पे आई जे से छोटा है। तो ये डायगोनल ने ये मैट्रिक्स को तीन पार्ट में बदल दिया। पहला पार्ट कि जहां पे आई और जे बराबर हुए, ऊपर वाला पार्ट जहां पे आई जे से छोटा है, और तीसरा पार्ट जहां पे आई जे से बड़ा है। अब ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं, इन सारे प्रोडक्ट्स के सम को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ये समेशन से, जो कि है समेशन आई जीरो से लेके एन तक, समेशन जे जीरो से लेके एन तक, एन सी आई इंटू एन सी जे। तो इसमें वो भी आएंगे कि जहां पे आई और जे बराबर है, इसमें वो भी आएंगे जहां पे आई जे से छोटा है, और इसमें वो भी प्रोडक्ट्स आएंगे जिसमें आई जे से बड़ा है। अब यहां पे क्योंकि आई और जे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है तो इसको अपने डायरेक्टली लिख सकते हैं आई जीरो से लेके एन तक एन सी आई और ये समेशन जे जीरो से लेके एन तक एन सी जे। अब ये क्या है, एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी एन, जो कि है आपका टू टू द पावर एन, और ये भी आपका आएगा एन सी जीरो प्लस एन सी एन, तो ये भी होगा टू टू द पावर एन। तो ये जो प्रोडक्ट है ये आएगा आपका टू टू द पावर टू एन। तो अपने पास जितने भी एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन प्रोडक्ट हैं उन सबका जो सम आएगा वो आएगा आपका 2 टू द पावर 2n। अब ये जो सम है कि i 0 से लेके n, j 0 से लेके n, ncij का जो डबल समेशन है, इसको अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। पहला कि वो सारे एलिमेंट्स जहां पे i और j बराबर हैं, जहां पे आई जीरो से बड़ा है, जे के बराबर है और वो एन या एन से छोटा है, और ये हो जाएगा सी आई इंटू सी जे प्लस समेशन वो सारे पेयर्स जहां पे आई जे के बराबर नहीं है, और ये हो गया आपका सी आई इंटू सी जे। अब इसको अपने लिख सकते हैं ये समेशन जहां पे आई और जे बराबर है और ये एन सी आई सी जे प्लस, अब यहां पे दो केस आएंगे, एक केस जहां पे आई जे से छोटा है और ये एन के बराबर है सी आई सी जे, और प्लस ये दूसरा केस जहां पे जे आई से छोटा है और ये एन के बराबर है, ये है सी आई सी जे। अगर अपने ये मैट्रिक्स को देखें तो अपने को रियलाइज होगा कि ये जो मैट्रिक्स है ये डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक है, यानी कि सारे एलिमेंट्स जो डायगनल के नीचे हैं वही सारे एलिमेंट्स डायगनल से ऊपर भी हैं। तो इसका मतलब क्लियरली अपने को ये पता चल गया कि ये जो दोनों समेशंस हैं ये दोनों समेशंस बराबर हैं, यानी इसका मतलब यहां से अपने पास ये रिजल्ट आएगा कि ये जो समेशन है जहां पे आई जे से छोटा सी आई सी जे वो बराबर है ये समेशन जहां पे आई जे से बड़ा। तो अपने बेसिकली इसको क्या लिख सकते हैं, अपने लिख सकते हैं ये जो समेशन सी आई इंटू सी जे है जो कि सारे प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, ये बराबर है ये समेशन कि जब आई और जे बराबर है सी आई सी जे, और प्लस टू टाइम्स वो सम कि जब आई जे से छोटा है या जे आई से छोटा है, तो सी आई इंटू सी जे। तो ये मैट्रिक्स को देख के अपने को ये क्लियरली समझ में आता है कि ये रिलेशनशिप कहां से आया। अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब
पहला क्या है? पहला है कि ये समेशन जहां पे i इक्वल्स j है, तो जहां i इक्वल्स j है तो क्लियरली अपने को दिखाई देता है कि i इक्वल्स j मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो कि इसके डायगनल में है। तो ये जो क्वेश्चन वन है, तो ये क्वेश्चन वन का समेशन है c0 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर और प्लस cn स्क्वायर, और ये सम किसके बराबर है? तो ये सम अपने को पता है कि ये बाइनोमियल सीरीज का सम होता है 2n cn के बराबर। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है सिंपली 2n cn। अब दूसरे क्वेश्चन में पूछता है कि अपने को वो सम निकालना है जहां पे i j से छोटा है। तो अपने वापस से वो इक्वेशन पे चलते हैं। अब ये तो है सारे प्रोडक्ट्स का सम, और जो हमने सॉल्व किया था जो कि कितना आया, जो कि आया 2 to the power 2n। अब ये वो है जहां i equals j, जो फर्स्ट पार्ट में निकला ये कितना 2n cn और प्लस 2। अब ये वो सम है जो अपने को निकालना है, जो कि है i j से छोटा और ये n और ये है आपका ci into cj। तो यहां से अगर हम देखें तो जो समेशन i less than j less than equal to n ci into ca आएगा, ये आएगा आपका 1/2 2 to the power of 2n माइनस 2n cn। तो ये जो सेकंड पार्ट है इसका आंसर आएगा आपका 1/2 2 to the power 2n माइनस 2n cn। तीसरे वाले में ये है कि i जीरो या जीरो से बड़ा है और i छोटा है या बराबर है j के, और वो छोटा है या बराबर है n के। तो अगर हम इसकी बात करें तो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट का सम है इसको अपने दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। पहला पार्ट जहां पे i j के बराबर है ci into cj, प्लस दूसरा पार्ट जहां पे i j से छोटा है ci into cj। अब i equals to j ये हम पहले पार्ट में कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये कितना आएगा आपका 2n cn, और i less than j ये अपने सेकंड पार्ट में कैलकुलेट किए हैं, तो ये आएगा आपका 1/2 2 to the power 2n माइनस 2n cn। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/2 2 to the power 2n और प्लस 2n cn। तो सिर्फ ये मैट्रिक्स देख के और इसके प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करके अपने ये सारे समेशंस के इक्वेशन को आसानी से कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट की जगह सम की बात करते हैं, फिर से सपोज अपने पास टू वेरिएबल्स हैं i और j, i रो के अलोंग और j कॉलम के अलोंग। तो ये है सपोज एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू और एन सी एन, और ये है एन सी जीरो एन सी वन और ये है एन सी एन। अब अगर फिर से हम यहां पे डायगनल एलिमेंट्स को देखेंगे तो डायगनल एलिमेंट्स में क्या एलिमेंट्स हैं? ये है टू एन सी जीरो टू एन सी वन टू एन सी टू टू एन सी एन। नीचे एलिमेंट्स हैं वो जहां पे i का वैल्यू j से बड़ा है, और यहां पे वो एलिमेंट्स हैं जहां पे i का वैल्यू j से छोटा है। तो फिर से डायगनल ने अपने सारे एलिमेंट्स को तीन पोर्शंस में डिवाइड कर दिया। अब सपोज क्वेश्चन है कि ci प्लस cj का वैल्यू बताइए जब i का वैल्यू j से छोटा है। तो जब i का वैल्यू j से छोटा है तो इसका मतलब अपने को वो सारे एलिमेंट्स का सम चाहिए जो कि डायगनल से नीचे लाई करता है। तो इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका कि जैसे अगर यहां से एन सी जीरो काउंट करना शुरू करें तो कितने एन सी जीरो होंगे हमारे पास? तो ये शुरू होता है एन सी वन से लेके एन सी एन तक, तो अपने पास एन सी जीरो एन बार आएगा। तो इसको लिखेंगे जीरो इंटू एन सी जीरो प्लस, अब एन सी वन कितनी बार आएगा? अब यहां से लेके यहां तक एन सी वन एन माइनस वन बार आएगा, और एक एन सी वन जो कि यहां रह गया वो इसके पास है, तो यानी कि अब अपने पास है n इंटू एन सी वन। अब एन सी टू कितने बार आएगा? एन सी टू यहां से n माइनस टू बार आएगा, लेकिन एक एन सी टू यहां पर है और एक एन सी टू यहां पर है, तो वापस से ये कितना हो गया? वापस से ये n इंटू एन सी टू हो गया। तो यानी जितने भी आपके पास बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं वो सारे के सारे डायगनल से नीचे n बार आते हैं। तो ये कितना हो गया? ये हो गया n इंटू एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी एन, जो कि कितना है? जो कि आपका 2 to the power n। तो ये जो समेशन है ci प्लस cj का जब i j से छोटा है वो है n इंटू 2 to the power n। अगर यहां पे i और j के बीच में इक्वालिटी इंक्लूड कर देते हैं तो क्या आएगा? तो वहां पे आपको
2NC0 प्लस 2NC1 प्लस 2NCN ये भी ऐड करना पड़ेगा, तो वो आपका n प्लस 2 टू द पावर n हो जाएगा। एक और क्वेश्चन अगर लें, जैसे ये कहता है डबल समेशन i लेस देन j ci प्लस cj होल स्क्वायर, अगर अपने इस स्क्वायर को ओपन करें तो इसको अपन लिख सकते हैं ये डबल समेशन है i लेस देन j का और ये है ci स्क्वायर प्लस cj स्क्वायर प्लस 2 ci इंटू cj। तो इसको अपने दो पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं, तो ये हो गया i j से छोटा ci स्क्वायर प्लस cj स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ये डबल समेशन ci इंटू cj व्हेन i इज लेस देन j। अब ये तो केस सेम है ये पहले वाले केस के जैसे कि ci प्लस cj, सिर्फ स्क्वायर का फर्क है। और हर बार क्या होता, हर बार हमारे पास n आया था। अगर हम इसको देखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पहला वाला क्या आएगा, ये आएगा एन आएगा और फिर यहां पे आएगा सी जीरो स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर और प्लस सी एन स्क्वायर और प्लस टू सी आई इंटू सी जे व्हेन आई इज लेस देन जे। तो बेसिकली ये कौन सा केस हो गया, ये केस हो गया हमारे फर्स्ट मैट्रिक्स का, ये केस हो गया हमारे फर्स्ट मैट्रिक्स का जहां पे अपने इसका डबल देख रहे हैं। डबल देख रहे हैं मतलब ये और ये दोनों इंक्लूड कर लिया तो क्या बचा, सिर्फ डायगनल एलिमेंट्स बचा, तो टोटल में से ये डायगनल माइनस करने वाला। अब टोटल अपने को पता है टोटल कितना है, टोटल था अपना 2 टू द पावर 2n माइनस और डायगनल का क्या था, डायगनल का था अपना 2ncn, तो ये हो जाएगा n इंटू 2ncn प्लस 2 टू द पावर 2n माइनस 2ncn। तो जिसको अपने लिख सकते हैं n माइनस 1 2ncn प्लस 2 टू द पावर 2n। तो अगर आपको ये मैट्रिक्स मेथड समझ में आएगा तो आपको समझ में आएगा कि आपको कौन से प्रोडक्ट्स लेने हैं, कौन से सम लेने हैं, किसको चूज करना है, किसको डिस्कार्ड करना है, तो वहां पे आप सब कुछ विजुलाइज करके आसानी से इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं।